हेलो एवरीवन, मैं संदीप गिल, पीएचडी इन एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम एमपीयूएटी उदयपुर। एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। तो आज आपके सामने लेके आऊँ एक नई इन्फॉर्मेशन, जिस चीज़ की आप कुछ लोग एक साल से, कुछ लोग छः महीने से इंतज़ार कर रहे थे, है ना। वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, यानी कि जेट 2023 का एग्ज़ाम और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एवरीबॉडी इसको ध्यान से सुनना। देखो भाई, सबसे पहली बात है कि जेट का एग्ज़ाम जो होता है वो राजस्थान लेवल पे होता है ना। किस लेवल पे होता है भाई? राजस्थान लेवल पे होता है। राजस्थान में जितने भी कॉलेज हैं, यानी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कॉलेज है, उनके अंडर में 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं। और आपको पता है कि एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर अगर आपको बीएससी ऑनर्स के लिए, बीएससी एजी यानी बीएससी इन एग्रीकल्चर ऑनर्स के अंदर आपको डिग्री करनी है, तो उसके लिए आपको एक टेस्ट लगता है जिसे इंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट, है ना। संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की डेट अनाउंस हो चुकी है। कौन कौन से कार्यक्रम कब कब होने हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही अपने क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप एडमिशन ले सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, सुनते रहिए, बहुत काम किया आपके, है ना। तो देखो भी, ये जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया था 18 फरवरी को, और आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने की जो डेट है, ठीक है भाई, स्क्रीन की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए। देखो भी, जो आवेदन भरे जाने की तिथि है वो कब शुरू हो गई है, 20/2 को, है ना, 20 फरवरी को स्टार्ट हो चुकी है, मंडे को। और लास्ट डेट है इसकी, है ना, लास्ट डेट विदाउट फीस, ठीक है, लास्ट डेट आपको करनी है विदाउट लेट फीस। यहाँ पे देखो, अगर सीधी सी बात करोगे, आप फॉर्म भरोगे तो उसकी फीस भी दोगे, है ना। अगर आप फीस दे रहे हो लगभग 1400 रुपीज है समथिंग, ठीक है। देखो, सीधी सी बात है कि अगर आपने फॉर्म बनना स्टार्ट कब हो चुका है, 20 फरवरी को, है ना, और अगर आपको लास्ट डेट 27/3 को, अगर आप इस डेट से, ये फॉर्म बनने की लास्ट डेट, अगर इस डेट से आप क्या आ जाते हैं, लेट हो जाते हो, तो आप लेट अगर करना भी बाय मिस्टेक टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, कोई आपको चीज़ याद नहीं रही, या ऐसा हो गया कि आपका जो डॉक्यूमेंट से वो फिलफिल पूरे कंप्लीट आपके पास हो नहीं पाए, तो उस समय आप क्या करोगे कि आपने देखा कि 27/3 थी, डेट तो निकल गई, 20 बार हम चूक गए, अब क्या करें। उसका भी सोल्यूशन दे रखा है। उसका क्या सोल्यूशन है कि आप लेट फीस दोगे, जो निर्धारित फीस है उसके अंदर 500 रुपये और ऐड होंगे, जिसे बोलेंगे लेट फीस। ये 500 रुपये आप उसके अंदर पे करके दोबारा से 27 के बाद भी फॉर्म भर सकते हैं। उसकी लास्ट डेट है 30 उसकी क्या है, लास्ट डेट है। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते 30/3, यानी 30 मार्च के बाद दोबारा से फॉर्म नहीं भरा जा सकता, ठीक है। उसके बाद क्या, आपने फॉर्म भर के सबमिट करके कंप्लीट कर लिया है, आप निश्चिंत हैं। परंतु कहीं ना कहीं एक डाउट है कि यार कहीं नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थडे गलत होगी, कहीं परसेंट उल्टे सीधे भरे गए हैं, एनीथिंग, कुछ भी मिस्टेक है, तो उस मिस्टेक को आपको क्या करना है, सही करना है, सुधार करना है। उसके अंदर अगर एडिट करना है तो वो आप कर सकते हो 3/4/2023 तक, ठीक है, यानी आप 3 अप्रैल तक इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, मैंने पहले ही बता दिया है, एग्री दर्पण क्लासेस की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। और दूसरी बात, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता देता हूँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही आपको कि सर कैसे करें, क्या करें, है ना, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, देखो ये हमारे नंबर है 82099 27520, ठीक है, इस नंबर से ऑफिशियल नंबर है एग्री दर्पण क्लासेस के, इस पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। फिर भी आपसे नहीं भरा जाता तो आप डायरेक्ट कॉल कीजिए, हम आपको क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, हम भी आपका फॉर्म भर देंगे, है ना। परंतु किसी प्रकार की आप मिस्टेक ना करें, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछ लें, बहुत अच्छे से वीडियो देखें, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से आप कॉल करके पूछ लेते हैं। जल्दी मैं आपके सामने लेके आ जाएंगा अगली वीडियो में भी, कैसे फॉर्म फिल किया जाए, भी फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, ठीक है भी। हाँ जी, तो यहाँ तक अपने देख लिए, फॉर्म बनेगा, अगर एडिट करना है तो आप इस तरह एडिट कर दोगे। अब आपने क्या किया, फॉर्म भर के बिल्कुल निश्चिंत हो, फिर आपको क्या करना है कि डेट आएगी आपकी एग्ज़ाम की, है ना।
तो जो एग्ज़ाम डेट से पहले आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो उसके लिए आपके हाथ में एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, उसके बिना तो आपको कोई जाने नहीं देगा। आपको क्या पता आपका रोल नंबर क्या है, कौन सी सीट पे आपको बैठना है। तो उसके लिए आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो कब आ जाएगा, 8/5 को, ठीक है, कब आ जाएगा, 8/5 को वो आपके मेल पे आ जाएगा, ठीक है, या फिर आप साइट से डाउनलोड उसको कर सकते हो, जो भी आईडी पासवर्ड होगी उसके थ्रू आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कितने हैं, 5 मई के आसपास, सॉरी 14 आ जाएगा, 8 मई को आ जाएगा। उसके कितने दिन बाद, 8 के बाद लगभग 6 दिन बाद आपका क्या होगा, एग्ज़ाम, है ना। तो ये आपकी है एग्ज़ाम डेट। तो 14 मई को आपका क्या होने जा रहा है, जॉइंट इंट्रेंस टेस्ट 2023 यानी 2020 की संयुक्त जो प्रवेश परीक्षा है वो 14 मई को कंडक्ट होने जा रही है। अब पेपर आपने दे दिया, पेपर दे के अब आप निश्चिंत हो बिल्कुल। अब क्या आएगा, आप जब वहाँ पे पेपर दोगे, एक जिसमें आप पेपर दोगे वहाँ आपको ORM सीट दी जाएगी जिसमें 4 ऑप्शन है, ये आपको फिल करने हैं। हर क्वेश्चन के आगे है ना 1, 2, 3, 4 है ना, ऐसे 120 क्वेश्चन होते हैं ना, 40 एग्रीकल्चर के, 40 बायोलॉजी के और 40 केमिस्ट्री के। इसी के साथ मैं खतरनाक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अब ये केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है इसके अंदर एग्री बायोलॉजी और एग्री केमिस्ट्री भी बहुत सारा ऐड हो गया, जिसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब आपको ये ORM सीट है, ठीक है भाई, ये आपको जैसे उनको आप सबमिट करवा दोगे ये उनके पास रहेगी, एग्ज़ाम सेंटर के पास रहेगी, बाद में यूनिवर्सिटी के पास चली जाएगी। और एक डेट आएगी जिसका नाम है 19 यानी 5 दिन बाद एक डेट आपके पास क्या आ जाएगी, एक डेट आएगी 19/5 को आपको ये ORM सीट वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ खुद की आंसर की यूनिवर्सिटी ने क्या क्या आंसर माने हैं ना, आप वाले आंसर तो नहीं चलेंगे सारे के सारे, अगर आपके सारे के सारे हैं 100% सही आप तो, है ना, तो वो अपने आंसर की जारी करेगी और उसके साथ आपकी ORM सीट भी दिखा देगी कि 1, 2, 3, 4 पहले का ये ऑप्शन था, आपने कौन सा भरा, यानी सही, तो आपका सही है, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने सही हैं कितने गलत हैं आपके क्वेश्चन, तो आप अपनी मेरिट निकाल सकते हो, खुद बना लोगे, है ना, उस हिसाब से आपने बना सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर आपके 100 में से टोटल 120 में से 80 क्वेश्चन किए हैं तो आपके नंबर आ जाएंगे 320, है ना, 320 माइनस करना है। अगर एक क्वेश्चन गलत है तो 1 माइनस हो जाएगा, 2 है तो 2 माइनस हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत उतने नंबर आपके टोटल में से कट जाएंगे, ठीक है। तो ये बात रही आपकी कब आ रही है इन्फॉर्मेशन, जिसको अपने बोलते हैं कि ORM सीट आ जाएगी ना। अब क्या होता है, और उसके बाद एक आती है लास्ट डेट फॉर ऑब्जेक्शन। आपने ऑब्जेक्शन किया कि सर नहीं, हमारी जो बुक है NCERT की उसके अंदर ये नाम है, उसका आंसर ये माना है, परंतु आपने ये माना आप उसका रिट लगा सकते हो, उसे बोलते हैं आप रिट लगाना बोला जाता है, कि आप लास्ट ऑब्जेक्ट करोगे कि सर इसका क्वेश्चन यूनिवर्सिटी को आप मेल भेजोगे कि देखो आपने ये क्वेश्चन का आंसर ये माना है, परंतु बुक है जो ऑथेंटिक बुक यानी NCERT ही होनी चाहिए, कि ICAR की पब्लिश बुक होनी चाहिए, उसमें से आप यानी आप नोट्स से लगा दो, कोई हैंडबुक से लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा। वो एक आपके पास RPSC की या फिर आपके पास NCERT की बुक होनी चाहिए, और उस NCERT की बुक के थ्रू आप कह सकते हो कि सर इस NCERT बुक में ये लिखा है इतने पेज नंबर पे, और इसका आंसर ये होना चाहिए, बट यूनिवर्सिटी ने ये माना है, तो आपका अगर वो सही मानेगी तो आपके नंबर जुड़ जाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन डिलीट होगा। फिर वो उस हिसाब से देखा जाता है कि क्या कितने नंबर से क्वेश्चन उठाते हैं। तो ये आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है, परफेक्ट कोई नहीं है। फिर आ जाएगा आपका रिजल्ट डिक्लेयर, है ना, पर ORM सीट में तो आपको ये पता चल जाएगा आपने कितने सही है कितने गलत है। फिर क्या होगा, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होने जा रहा है, ठीक है, जिस दिन क्या है ना रिजल्ट डिक्लेयर होने जा रहा है, उस दिन तारीख होगी लास्ट, बिल्कुल एंड, यानी 31 मई को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि टोटल जो कितना अपने देखो 120 थे ना क्वेश्चन है, तो ये उसका रहता है टोटल कितने नंबर है, 480 में से कितने नंबर आपने लिए हैं, ऑब्टेन कितने किए हैं, आपके परसेंट में कितने नंबर बने हैं, आपकी रैंक कौन सी है, जनरल में आपकी रैंक कौन सी है, OBC में कौन सी है, SC में कौन सी है, उस हिसाब से जो चीज़ें डिक्लेयर होगी उसे बोलते हैं रिजल्ट डिक्लेयर होना। वो कब होएगा, 31 तारीख को आपका 31 मई को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो
जैसे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके अगले ही दिन ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म जिसके अंदर आप जाके खोलोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे कॉलेज होंगे बहुत सारे, अपने इच्छा अनुसार अपनी रैंक के हिसाब से आप उनको फिल करते जाओगे। जैसे जैसे चीज़ें आते जाएगी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता जाऊँगा। एग्री दर्पण क्लासेस पे चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। आपने ऑप्शन फॉर्म भर के भर लिए ना, क्या करना है आपको ऑप्शन फॉर्म भर देने है ना, जो भी है ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म की डेट आप स्टार्ट हो जाएगी। अंतिम तिथि क्या है आपको 5-6 तक आपको क्या करना है, लास्ट जितने भी ऑप्शन फॉर्म है कौन कौन से कॉलेज लेने हैं ना, ऑप्शन फॉर्म का मतलब कॉलेज भरने हैं रिजल्ट आने के बाद, कि आपको कौन कौन से कॉलेज लेने हैं, आप किस कॉलेज में जाने के इच्छुक हो रैंक के हिसाब से। अगर रैंक आप अंडर 10 रैंक है, अंडर 50 रैंक है, तो आप ऑल ओवर तो एक ही कॉलेज जो आप इच्छा वो भर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। मई के बाद बात आती है जून की, 5 जून को आपका ये लास्ट फॉर्म वगैरह सब फिल हो जाएंगे। फिर लास्ट डेट फॉर एडिटिंग द ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म, जो भी आपने ऑप्शन फॉर्म डाला है उसको आपको एडिट कर सकते हैं। आपने सोचा पहले मैंने उदयपुर पढ़ा है, या फिर पहले बीकानेर पढ़ा उदयपुर, आपके अंदर नहीं यार सीक्वेंस सेट करके लिखे ऊपर नीचे होगा, तो उसको आप सेट कर सकते हो। एडिट करने की डेट भी आपके सामने रहेगी। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ द फर्स्ट प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट, ठीक है। आपको पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी कौन से बंदे को कौन सा कॉलेज मिला है, वो कब आ जाएगी आपको 16 तारीख को आपको अनाउंस हो जाएगी कि आपका कॉलेज कहाँ पे मिला है, ठीक है। ठीक है, 16 जून को ये हो जाएगा। फिर लास्ट डेट फॉर द एक्सेप्टिंग द अलॉटमेंट डिपॉजिट इन द फीस और एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर द पार्टिसिपेशन, ठीक है, कि आपको पता चला आपको कॉलेज मिला है बीकानेर, ठीक है। बीकानेर आपने पहला पढ़ा था उदयपुर, बीकानेर, फिर आपका मान के चलो कोटा था, और उसके बाद आपने भर रखा है जोबनेर, ठीक है, एनीथिंग आपने ये कॉलेज भर के, मान के चलो आपको कॉलेज मिल गया कोटा, ठीक है, कोटा जैसे आपको कॉलेज मिल गया। अगर आपको ये लेना है तो वहाँ पे आएगा एक्सेप्ट आएगा, तो एक्सेप्ट का ऑप्शन आपको दबाना है, और वहाँ पे 5 या 6 हज़ार रुपये कुछ फीस आती है वो आपको भरनी है, आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपकी सीट पक्की, ठीक है। ये तो हो गया अलॉटमेंट। अब क्या था, फीस भर के आपने सारा कुछ कर दिया, उसके बाद ना डिस्प्ले ऑफ सेकंड प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट है ना, उसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी, अगर आप इसके अंदर कोई चेंज वेंज कर रही हो तो ना सेकंड लिस्ट आ जाएगी, और फिर आ जाएगी आपके लास्ट डेट आपको मिलेगी कि लास्ट डेट था डिपॉजिट फीस सबमिशन रिक्वायर सेकंड अपवर्ड असेसमेंट। सॉरी यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ है। इन्होंने बोला था कि हाँ डिस्प्ले आपका रिजल्ट, मैंने जैसे बताया कि आपको ये कॉलेज अलॉट हो गया है, तो उस दिन आपने वो कॉलेज भी आपको ले लेना है। अगर आपने क्या किया अपनी फीस सबमिशन करा के कॉलेज ले लिया तो बेटर, नहीं तो आपके पास पहले बीकानेर मिला है ऊपर उदयपुर है, ये ऊपर है ना, तो आप चाहते हो कि यार नहीं मेरे थोड़े नंबर अच्छे हैं मैं एक प्रयास कर लूँ, तो आपके वहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपवार्ड, दो ऑप्शन आएंगे, अपवार्ड लगा दो या फिर एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट का मतलब है कि आपको बीकानेर कॉलेज ही लेना है और कोई कॉलेज नहीं लेना है, तो इसके लिए एक्सेप्ट करके आप फीस सबमिशन करा दोगे, ठीक है, उसकी लास्ट डेट आपके सामने है, ठीक है, 19/6। परंतु आपने कहा नहीं मैं तो, आपने कहा अपवार्ड लिखा, अपवार्ड पे क्लिक किया, 800 रुपये सबमिशन कराया, क्लोज कर दिया फॉर्म, ठीक है। अपवार्ड के लिए आपका फोन लगा, अपवार्ड का मतलब इस बीकानेर से ऊपर जो भी कॉलेज भरे ना वही मिलेंगे, और जिस बंदे ने ऊपर उदयपुर भरा उसको उदयपुर ही मिल गया, उसके बाद उसको ऊपर का कोई कॉलेज नहीं। अपवार्ड का मतलब ऊपर की तरफ जाना है लिस्ट में, तो ये सोच समझ के वह चीज़ें आप डालना किस तरह क्या करना है, ठीक है। तो ये अपवार्ड की डेट है, और सेकंड लिस्ट आ जाएगी, आपने अपवार्ड लगाए थे या जिसने उनका क्या आ जाएगा, सेकंड लिस्ट आ जाएगी भी दोबारा कॉलेज चेंज हुआ या फिर आपको वही कॉलेज मिला है, ठीक है। फिर आ जाएगी लास्ट डेट, जो सेकंड में आपको जो भी कॉलेज मिला है या फिर जो भी आपने कॉलेज भरा था चेंज हो गया या वही मिला है, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है, नहीं तो सेकंड टाइम फिर से आप क्या लगा सके अपवार्ड, कि इस बार मैं सेटिस्फाई हूँ एक बार और अपवार्ड लगाऊंगा नए कॉलेज के लिए, ठीक है। तो फिर आपको अपवार्ड की लिस्ट में वो नाम डाल दोगे, उसके बाद वो थर्ड लिस्ट पहुंच जाएगी आपके पास, तीसरी बार आ जाएगा वो 29/6 को आ जाएगा तीसरा रिजल्ट, ठीक है। ये आपके पास क्या पहुँच जाएगा, तीसरा रिजल्ट पहुँच जाएगा, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा कि आपको 1 जुलाई को लास्ट आपको फीस भरनी ही पड़ेगी, ये कंप्लीट है ना, और उसके बाद जो भी कॉलेज मिला है शांति से ले लिया उसको, और लास्ट में 3 जुलाई को
3 जुलाई को आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक, कई जगह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा, जाना है, अपने डॉक्यूमेंट लेके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको लिस्ट के अंदर बता दिया जाएगा आगे की प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपके सारे काम हो गए। अगर सीटें 100 है, 100 की 100 सीटें भर गई फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर सीटें खाली रह जाती है किसी वजह से तो फिर क्या होते हैं, फिर ऑप्शन फार्म दोबारा से शुरू होते हैं ना। एक बार क्या हुआ, आपका रिजल्ट आया, कॉलेज भरवा लिए, रिजल्ट आया, आपने कॉलेज आपको अलॉट कर दिया कि ये कॉलेज मिले, आपने कहा कि आपसे सेटिस्फाई ने फर्स्ट अपवार्ड लगाया, फर्स्ट अपवार्ड के अंदर सेटिस्फाई सेकेंड अपवार्ड लगा दिया, लगाने के बाद थर्ड के रिजल्ट आ गया, फिर फार्म हो जाएंगे क्लोज, फाइनली आपने रजिस्ट्रेशन करा के सब आप बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। अब बात होती है कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, उसके बाद सीटें रहेगी, है ना, आपको कि लो कॉलेज मिला बट आप चाह रहे हो थोड़ा बड़ा लेवल का कॉलेज मिले और उस कॉलेज में सीटें पड़ी है खाली। अब आपको क्या करना है, उस खाली सीटें सारा कुछ रहने के, अगर रह जाती है वैकेंट सीट फिर निकलती है जिसे बोला जाता है स्पोर्ट काउंसलिंग, ठीक है, वो निकलेगी 6 जुलाई को आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। ये 6 जुलाई को आपके ऑप्शन फॉर्म आ जाएंगे। लास्ट डेट ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म लास्ट डेट रहेगी 9/7 यानी 9 जुलाई मिड नाइट तक आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप कोई दूसरा कॉलेज चूज करके भर दो, है ना, इसकी अलग फीस रहती है, ठीक है भाई। अब अपने बात करेंगे, जैसे ही आपको वो लिस्ट आपने भरा है, ऑप्शन स्पोर्ट काउंसलिंग करवाई है, तो उसकी प्रोविजन जो लिस्ट आएगी वो आपको 14 जुलाई को मिल जाएगी कि आपको कोई कॉलेज नया मिला है या नहीं मिला, है ना। इसकी आपको ऑनलाइन फीस डिपॉजिट करनी है 17/7 को, जिस कॉलेज मिला अगर आपको सबमिशन कराना है तो। उसके बाद भी अगर नहीं खाली रह जाता ना तो कॉलेज में आपको इस समय रिपोर्ट करवा देना जाके, लास्ट 5 बजे तक करवाना है जिस कॉलेज आपको मिला है, और उसके बाद दूसरी लिस्ट आ जाएगी कि आपको कौन कौन से कॉलेज कहाँ कहाँ मिल गए हैं अगर दोबारा से एडिटिंग करके। लास्ट डिपॉजिट ऑफ द ऑनलाइन फीस, और इसकी आपको ऑनलाइन फीस कब कर देनी, 24/7 को, है ना। ये सारा का सारा मैटर है, किस तरह आपको कॉलेज लेने हैं, क्या आपका प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। तो ये रहती है रिपोर्टिंग ऑन द कॉलेज, आपको करना 26 जुलाई को। कुल मिला के ये सारा प्रोसीजर खत्म हुआ, कब एग्ज़ाम स्टार्ट होने, क्या क्या करने हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी समझ नहीं आएगी, धीरे धीरे आपको आती जाएगी। तो मिलते हैं जैसे ही अगले लेक्चर के अंदर या फिर अगली वीडियोज़ के अंदर, जिसके अंदर हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि आपको ऑप्शन जो भी आपका जेट का फॉर्म भर रहे हैं वो किस तरह आपको जेट का फॉर्म भरना है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जय हिंद जय भारत।